ये तुर्की का हताई इलाका है। भूकंप के बाद यहां पर हजारों बिल्डिंगें जमींदोज हो गई हैं। तुर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के पास आए शक्तिशाली भूकंप ने तुर्की और सीरिया में हजारों लोगों की जान ले ली है। भूकंप के बाद बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। अकेले तुर्की में इस भूकंप से अब तक 5000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। भूकंप में तुर्की का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ है वो है हताई इलाका। कहते हैं ये आईएसआईएस का द्वार है और इसी इलाके से होकर हजारों विदेशी इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया जाते थे। जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.8 थी, जिससे इलाके की इमारतें देखते ही देखते ढह गई। हताई प्रांत की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। भूकंप से हुई तबाही के मद्देनजर तुर्की के राष्ट्रपति रचप तैयब अर्दोगन ने 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने भी तुर्की में विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुए लोगों के लिए 2 विमानों के जरिए राहत सामग्री और मेडिकल दलों को भेजा है। आपको बता दें कि तुर्की में पहले 7.7 और फिर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद से अब तक भूकंप के 300 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप आने के बाद 21,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और इलाके के 3 एयरपोर्ट्स भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य में 14,000 से अधिक अधिकारियों, साथ ही साथ 5,000 से ज्यादा सैन्य कर्मियों को लगाया गया है। सीरियाई सीमा से लगे तुर्की के इन शहरों को भारी नुकसान हुआ है, जो कि आसमान से आप साफ देख सकते हैं। इस इलाके में अकेले 1200 से ज्यादा बिल्डिंग्स जमींदोज हो चुकी हैं और इस इलाके में बताया जाता है कि 4,00,000 से ज्यादा सीरियाई नागरिक रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।